हेलो दोस्तों, मैं रवि शर्मा आपके सामने हाजिर हूँ सेवंथ पार्ट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट डायलॉग्स का। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस सेशन ऑफ इंग्लिश शॉर्ट डायलॉग्स। आई एम गेटिंग योर मैसेजेस, बट आई एम गेटिंग a good response by my students, so that's encouraging me again and again to give more words and more sentences. So very soon I'm going to start more things which will help you to learn English faster. So let's go ahead. आज का हमारा सेवंथ पार्ट है, उसके अंदर का पहला डायलॉग है हमारा आज का, not a big one. इसका मतलब होता है लंबा हाथ मारना। मान लीजिए किसी लड़के ने करोड़पति लड़की को पटा लिया, तो हम बोलेंगे ही हैज़ नेटेड बिग वन, बहुत लंबा हाथ मारा उसने भाई से। और किसी लड़की ने किसी लड़के को पटा लिया, लड़का बहुत करोड़पति, तो बोलेंगे भैया बहुत लंबा हाथ मारा इसने, तो शी हैज़ नेटेड अ बिग वन। ज़्यादातर हीरोइंस एक्ट्रेसेस यही तो होती हैं, वो बिजनेसमैन को पटा लेती हैं, कहते हो क्या लंबा हाथ मारा उसने, शी हैज नेटेड अ बिग वन। वैसे लंबा हाथ मारा ना ऐसा, बहुत लंबा हाथ मारा, शी हैज नेटेड अ बिग वन। कई बार होता है एक एज आती है 40, 30, 35 के आसपास, अब जैसे फैमिली के लिए करते करते बंदा थकने लगता है और फिर सोचता है यार मैं जब देखो फैमिली के लिए किए जा रहा हूँ, है ना, फिर तो गुस्से में कहता मेरी खुद की भी तो कोई ज़िंदगी है, जब देखो पैसा पैसा तुम लोग कमाते रहते हो, तुम्हें ये चाहिए तुम्हें ये चाहिए, है मेरी खुद की भी तो कोई ज़िंदगी है, आई हैव अ लाइफ ऑफ माई ओन, मेरी खुद की भी तो ज़िंदगी है, आई हैव अ लाइफ ऑफ माई ओन, मेरी खुद की भी तो कोई ज़िंदगी है, आई हैव अ लाइफ ऑफ माई ओन। इसके बाद होता है सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, ऐसे लोग जिन्हें केवल अपनी पड़ी रहती है। जैसे एक शादी में जाना था, दो दिन का रास्ता था, अब बंदे से हमने बोला अपने दोस्त से, तुम्हें बुलाया, अच्छा वहाँ खाने में क्या होगा, मैंने कहा क्या हो, देखो भैया मुझे तो ये पसंद है तभी जाऊँगा मैं, अच्छा उससे जाएंगे कैसे, मैंने बस से जाएंगे, नहीं भैया मैं तो कार से जाऊँगा, भैया कार से जाऊँगा, कार से लेकर चलोगे तो जाऊँगा भाई सब। उससे फिर पूछे कि भाई ठहरेंगे कहाँ, मैंने कहा कि एक सराय है धर्मशाला, भाई मैं रुकूँगा, मैं तो होटल में ठहरूँगा। मैंने कहा कि जिससे देखा वैसे अपनी पड़ी हुई है कि मैं कहाँ खाऊँगा, क्या रहूँगा, कैसे रहूँगा, इज अ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, इस पर बस अपनी पड़ी है, इज अ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, जिस व्यक्ति के अपनी पड़ी रहती है उसे बोलते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, तो ही इज अ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन। इसके बाद अगला डायलॉग है डाउनग्रेडिंग योर सेल्फ, वाई आर यू डाउनग्रेडिंग योर सेल्फ। ठीक है, अब क्या होता है, एक पिता ने अपनी बेटी का रिश्ता पक्का किया, अब बेटी उस रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं, तो उस पिताजी ने आपसे बोला भैया जाकर समझा हमारी बेटी को कि वो मान जाए, लड़का अच्छा खासा है परिवार का है। आपने कहा ठीक है, अब आप घर से निकले तो आपकी बीवी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो आपने बोला ऐसी ऐसी बात है भैया बेटी उनकी है वो समझाए, तुम क्यों बुरे बन रहे हो, हैं है? तुम क्यों बुरे बन रहे हो उन दोनों के बीच में, वाई आई वुड डाउनग्रेडिंग योर सेल्फ, है ना, वो आपको अंकल मानती है, अच्छे से रिस्पेक्ट करती है, आप जाके बोलोगे तो अपनी इज्जत गंवाओगे, तो आप क्यों बुरे बन रहे हो, है ना, आप क्यों बुरे बन रहे हो, वाई आई वुड डाउनग्रेडिंग योर सेल्फ, वाई आई वुड डाउनग्रेडिंग योर सेल्फ। कई बार क्या होता आवेश माँ के बंदा कुछ ज़्यादा ही बोल जाता है, राइट, आई एम सॉरी आई ब्लटेड आउट, आई एम सॉरी आई ब्लटेड आउट, कहते सॉरी आज ज़्यादा बोलिया मैं, कभी दारू के नशे में बोल जाता है, कई बार गुस्से में आवेश माँ के बोल जाता है, है ना, हमारे यहाँ भी कई लोग हैं गुस्से में कुछ ही बोल जाते हैं, तो बोलते हैं आई एम सॉरी, बाद में जब याद आता है सॉरी, है ना, आई एम सॉरी आई ब्लटेड आउट,
माफ़ी चाहता हूँ, कुछ ज़्यादा बोल गया। आई एम सॉरी आई ब्लटेड आउट। माफ़ी चाहता हूँ, कुछ ज़्यादा बोल गया। आई एम सॉरी आई ब्लटेड आउट। माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। आई एम सॉरी आई ब्लटेड आउट। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। इसके बाद आजकल लॉकडाउन हो गया है, सब लोग अपने अपने घर में बंद हैं, बाबू बेबी दोनों सब जुदा हो गए हैं, राइट। अब जब यहाँ माँ आपसे दूर थे, रोज़ बात हो जाती थी, मिल भी जाते थे, फ़ोन में बात जाती है, अब तो फ़ोन पे भी क्या बैठे, सिस्टर बैठी होती है, मम्मी बैठी होती है, मैसेज भी क्या करें भाई सब, दो दिन मैसेज ना हो तो बस लड़ाई हो जाती है आपस में, और फिर क्या बोल जाता है, अब हम दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म, 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया हमारे बीच में लगता है, ना एवरी थिंग इज ओवर बिटवीन अस, है ना, ये सब बोलते हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है 21 दिन के लॉकडाउन की वजह से, ना एवरी थिंग इज ओवर बिटवीन अस, क्या बोलते हैं वे लोग, ना एवरी थिंग इज ओवर बिटवीन अस। और कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो चाहे लॉकडाउन हो ना हो, सामने वाला बंदा गुस्सा हो ना हो, परेशान हो ना हो, तो आप बोलते भैया कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, आई विल स्टैंड बाई यू फॉर एवर, आई विल स्टैंड बाई यू फॉर एवर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, आई विल स्टैंड बाई यू फॉर एवर, आई विल स्टैंड, अभी बोल देना मेरी बेबी को, बेबी आई विल स्टैंड यू बाई फॉर एवर, है ना, कोई भी हो, राइट, तो आई विल स्टैंड यू बाई You forever, I will stand by you forever. Sorry, dialogue got bulgata. I will stand by you forever. मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा. I will stand by you forever. मगर कई लोग ऐसा फरामोश होते हैं, आपने देखा होगा, आप उनके कुछ भी करो मगर वो सब भूल जाते हैं. कई बार बेटियाँ ऐसी होती हैं, बाप करते हैं बड़े एक लड़के के चक्कर में और माँ को भुला देते हैं, राइट, तो बाप गुस्सा हो जाता है, तो बोलते शी इज़ एन अनग्रेटफुल पर्सन, वो एक एहसान फरामोश लड़की है, शी इज़ एन अनग्रेटफुल पर्सन, कई बार दोस्त किसी ने कुछ कर देता है, राइट, या मैंने उसके इतनी मदद की, जॉब लगवाई, उसको ये करवाया, उसको बताया, और देखो कितने एहसान फरामोश के लिए नया दोस्त मिला था, मैं भूल गई, शी केम आउट एन अनग्रेटफुल पर्सन, वो तो बड़ी एहसान फरामोश निकली, शी केम आउट एन अनग्रेटफुल पर्सन, वो तो एहसान फरामोश निकली, She came out an ungrateful person. ऐसे आपने देखा हो, इस आपको पता है इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, the two types of people in this world. मैं सीरियस कर दे रहा हूँ, the two types of people in this world. Right? एक तो वो जिन्हें आप पसंद करते हैं, the ones whom you like. और दूसरे वो एंड द वंस एंड द वंस हु लाइक यू, जो लोग आपको पसंद करते हैं. फॉर सेकेंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वो जिन्हें आप पसंद करते हैं, द वंस होम यू लाइक, और दूसरे वो जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं. थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें, जो आपको पसंद करते हैं. ठीक है, जो आपको पसंद करते हैं, राइट. उसके बाद है, कई बार क्या होता है, बंदा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, मान लो आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आपने किसी सुना नहीं, तो आप उस बंदे गुस्सा हो जाता है, घर में होता ना, ये मेरा घर है, यहाँ से मेरी चलेगी, इट इज़ माई होम, आई विल हैव माई वे हियर, यहाँ पे अगर चलेगी तो मेरी चलेगी, हमेशा मेरी मर्जी चलेगी, आई विल हैव माई वे हियर, इट इज़ माई अमेरिकन, यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी, आई विल हैव माई वे हियर, इट इज़ माई ऑफिस, मेरा ऑफिस है, यहाँ बस मेरी चलेगी, आई विल हैव माई वे हियर, ये मेरा रूम है, इट इज़ माई रूम, यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी, आई विल हैव माई वे हियर, आई विल हैव माई वे हियर. तो माई डियर फ्रेंड्स,
आज के लिए इतने रखते हैं. नेक्स्ट 10 डायलॉग्स विल बी इन द 8th शॉर्ट डायलॉग्स प्रैक्टिस सेशन. तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे वो नया नया शॉर्ट डायलॉग की एक्सरसाइज आए. थैंक यू वेरी मच.